छोटा सा बयान दिखाना चाहूंगा, पहले 2014 से पहले का एक बयान, उसको सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। प्लीज प्ले करिए। इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है? कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए। तो प्रदीप जी, महंगाई मुद्दा है कि नहीं? क्योंकि मेरा मीडिया भी नहीं पूछ रहा था, लेकिन मजबूरन अब पूछना पड़ा उसको, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, महंगाई मुद्दा है? ठीक है चावला जी, आपने मुझे शुरू में महंगाई के बारे में बोला था, किसने क्या बोला महंगाई है या नहीं, मैंने ये बात कही और स्वीकारा भी, बिल्कुल देश में महंगाई है। मैं पहले ही अपने वक्तव्य में पहले कही थी पहले जी, क्या यूक्रेन से रशिया से हमारा पेट्रोल डीजल या ऑयल कुछ भी आज तक बंद हुआ? दुनिया से बंद हो गया जाना आना, गैस सब चीज बंद हो गई। आपके भारत की गुडविल थी, आप लोगों की गुडविल थी कि रशिया पूरी चीजें पूर्ति करता रहा यूक्रेन तक आपकी मदद के लिए, ये देश बर्बाद हुए फिर भी आपकी सहायता आपको पूर्ति करने के लिए करा, ये कम बड़ी बात थोड़ी ना है। 2016 और 2022 के दामों को कंपेयर कर रहा था मैं, क्योंकि किसी ने हमें बताया कि महंगाई है नहीं, पहले कुछ आंकड़ा दिखाऊंगा मैं आपको और फिर उसके बाद कुछ कंपेयर करके बताऊंगा। थोक महंगाई, खुदरा महंगाई, अप्रैल में 15.8% और खुदरा महंगाई दर 7.79%, मई में 15.88% थोक महंगाई दर और फिर खुदरा महंगाई दर 7.4%, जून में 15.18% और फिर उसके बाद खुदरा महंगाई दर थोक महंगाई दर के बाद जून में पहुंच जाती है 6.73%। अब प्रदीप जी, जिनको महंगाई दिखाई नहीं देती, मैं उन्हीं को अब कुछ दिखाना चाहता हूं। 2016 से 2022 के दाम, चक्की आटा, चक्की का आटा, शायद आप लोग अधिकतर सब वही खाते होंगे, आपकी बात नहीं कर रहा प्रदीप जी, 185 रुपए 10 किलो का था, अब वो पहुंच गया 350 रुपए। मूंग दाल 90 रुपए के आसपास थी, 160 रुपए पहुंच गई। चावल 28 रुपए वाला 40 रुपए का हो गया। घी 345 वाला 500 में हो गया। सरसों का तेल 109 वाला 180 रुपए में हो गया। रिफाइंड तेल 83 रुपए वाला 186 रुपए का हो गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके घर में भी इसी रेट पर आता होगा, नहीं आता इस रेट पर, इस रेट से कम आता है, तो मुझे उस दुकान का नाम दीजिएगा ताकि मैं देश को बता पाऊं इस दुकान से खरीदो, इससे कम रेट पर आता है। 1 दिसंबर 2019 का दाम 594 रुपए का सिलेंडर आता था, अब 2.5 साल हो गए, मतलब 2.5 साल में रेट पहुंच गया 1053 रुपए। आपके यहां इतने का ही आता है ना? ज्यादा तो नहीं बोल रहा मैं, कम तो नहीं बोल रहा? नहीं, हमारे यहाँ तो 50% डिस्काउंट में आता है। मेरे आपके रेट अलग होंगे कभी? नहीं, आप और मैं दोनों मोर काटा खाने वाले हैं या नहीं? प्रदीप जी, आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते क्या? आप ये, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ? क्या मैं 2 नंबर के पैसे से काम करता हूँ? मेरा खुद का कारोबार है। आज आप गुस्सा मत होइए, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। आपका तर्क गलत है। आपने कहा कि ईडी की कार्रवाई, DHFL नाम तो सुना है ना सर आपने, DHFL? जी 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 जी। इसने आपकी पार्टी को 29 करोड़ रुपए का चंदा दिया, ये आरोप रही थी। इनका कहना यह है कि आपकी पार्टी को 29 करोड़ का चंदा दिया और उसी DHFL ने कुल मिलाकर 17 बैंकों से 34,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। कितने? 34,000 करोड़ का। जब तमाम नेताओं के द्वार पर ईडी जा सकती है, सीबीआई जा सकती है, तो इनके द्वार पर क्यों नहीं जा रही है, ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, सीबीआई उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके आंकड़े लगाए जा रहे हैं, मैं बता देता हूँ उस चीज के बारे में। छुटा कोई भी नहीं है। पहली चीज मेरा नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपको कैसे पता कि 29 करोड़ रुपए है? कि आपने रसीद काटी है या आप पे स्लिप आई है? आप
पहले तो ये साबित कीजिए। और आपको लगता है कि 29 करोड़ में भारतीय जनता, बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से एग्री, देश को पता ही नहीं कि किसका कटंदा आया, किसके पास कितना कटंदा आया, किसने क्या कांग्रेस, क्या कांग्रेस सही कह रहे हो आप। जिस देश के अंदर, जिस देश के अंदर नेता ब्यूरोक्रेट जब दलाल बन जाए, जब रिश्वत खोरी करने लगे, वो देश तो महंगाई में जाएगा ही जाएगा, उसमें क्या करेंगे एक बार फिर से आज ईडी काम एक मिनट फिर से रिपीट करना पहले चीज बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद बताता रहा हूँ मैं बिल्कुल सुन लीजिए काला धन, काला धन भी वापस आ रहा है, 64,000 करोड़ रुपए तो आ गया है, काला धन भी आ रहा है, जो काला धन वाले भाग गए थे उनकी चीजें एक्वायर भी कर ली गई है, उनके सब चीजें जब्त भी कर ली गई हैं, जो किसी में हिम्मत नहीं थी, तो यानी हमारे जो आप जो आने वाले आपके 15 लाख रुपए बिल्कुल 15 लाख रुपए आने वाले हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, आने वाले हैं सबके 15 लाख रुपए आने, बिल्कुल सर सबके 15 लाख रुपए आने वाले। काले धन की आपने बात की तो जरा कुछ एक बयान सुनाना चाहूंगा, कुछ याद आ गया मुझे, सुनिएगा। ये काला धन वापस आना चाहिए, जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, भी हम रुपये ले आए ना, वो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। काला धन सबसे ज्यादा कहाँ जमा होता है आप लोग बताते थे, स्विस बैंक में, मैं सही हूँ, स्विस बैंक में जमा होता है ना सर? जी 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 जी, काला धन जो है स्विस बैंक में जमा होता है, एक रिपोर्ट दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए 17 जून 2022 को ये रिपोर्ट सामने आई कि स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 50% बढ़ा, 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया ये जमा रकम। चावला जी ये शायद आपके लिए खुशी की बात होगी, मेरे लिए नहीं है। नहीं नहीं सर, कि मेरे भारत का पैसा वहां जमा हो रहा है, नहीं नहीं आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं। सर आप कह रहे थे ना ये तो बढ़ गया, थोड़ा सा बता दो, ये बढ़ गया, मैं कह रहा हूं ये मेरे लिए होगा, 14 साल का रिकॉर्ड। चावला जी सुन कहता रहा हूं सर, आपने जो गूगल खोला कम से कम वहां पे पारदर्शिता तो आई, स्विस बैंक ने इनकार कर दिया था कि नहीं हम आंकड़े नहीं देंगे, और स्विस बैंक में जब नाम आए खातों के, किस किस के आए, जो मुस्कुरा रहे सब उनके परिवार के आए। एक और बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर यह आई है कि आरबीआई ने यह कबूल लिया है कि महंगाई एक बड़ी समस्या है, जैसे हमारे सांसद बता रहे थे ना महंगाई कहां है ढूंढते रहो मिल नहीं रही, आरबीआई को मिल गई। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि 3 महीने में तीसरी बार रिपो रेट को बढ़ाया गया है, ब्याज दरों को, और उसमें से 0.5% का इजाफा एक बार फिर से ब्याज दरों में हुआ है। यह नई खुशखबरी है जनता के लिए, इसलिए बता रहा हूं मैं, जो घर का किश्त आप और हम लेते हैं सबसे कम किश्त होता है, माना जाता है कि 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए हमने किश्त घर के लिए ली अपना सपनों का घर पूरा करने के लिए, तो 20 लाख का जो पहले लोन था और 20 साल की अवधि के हिसाब से पहले हम 18,81,000 कुल ब्याज चुकाते थे, अब वो बढ़कर हो गया 20,29,000, यानी कि 1,48,000 का अंतर, पहली बात। इसके बाद 30 लाख का अगर हम लोन लेते थे, जिन्होंने 30 लाख का लोन लिया, 30 लाख के लोन 20 साल की अवधि के हिसाब से 29,22,000 कुल ब्याज पहले था, अब 30,44,000 हो गया, यानी कि 2,44,000 बढ़ गया, यानी पहले रोटी महंगी, फिर कपड़ा और अब मकान। आप कह रहे हैं महंगाई है नहीं, प्रदीप जी प्लीज कंटिन्यू। मैं तो सर मैं तो मैं मना तो नहीं कर रहा, मैंने आपसे, मैंने पहले राउंड में कहा, मैं तो महंगाई है।